सड़क पे सिर्फ हम ही है और कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। ऐसे रियाद रहे तो क्या मजा है। ऐसा लगा लॉकडाउन चल गया। लॉकडाउन। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो भाई आज है फ्राइडे, बिल्कुल आज हम मतलब एकदम स्पेशल अस्तर करने जा रहे हैं। हाँ यार, अब सुबह सुबह जो है ना, आज नाश्ते के लिए निकले हुए हम बहुत ही मुश्किल से उठने के बाद में। तो भाई तो उठ गए थे, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा सोने वाला बंदा हूँ, इसलिए इनका आवाज लगता है भी नहीं भाई है। तो मैं जो है वो अभी उठ के सीधा ही चला रहा हूँ, तो नाश्ता करने जाना है। फिलहाल चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या खाते हैं, क्या करते हैं। आज कुछ स्पेशल टाइप का मूड है कि कहीं जाना है, कहाँ जाना है। हारा ही जाना है, तो हारा तो बेस्ट खाना का कोई रेस्टोरेंट सोच के रखा है आपने? देखते हैं जाके वहाँ पे, शालीमार में हूँ, अल्फा में हूँ, कहीं भी अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा वहाँ कर लेंगे हम लोग। और बहुत सारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे, लेकिन आज एक स्पेशल ब्रेकफास्ट करने वाले हम लोग। थाली मिलता है, चार वाले मिलता है, अल्फा में मिलता है, पांच वाले मिलता है शालीमार में। कहीं भी ट्राई करेंगे, अगर मिलेगा तो हम लोग दिखाएंगे कि आपको भी कैसा है थाली 5,000 का। सिग्नल खुल चुके हैं तो भगाओ फिर। बाकी सड़कें तो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, अभी सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा है हम ही निकले हुए हैं बस। मतलब हैं दो चार गाड़ियां हमारे अलावा। हाँ, फ्राइडे का ना लोग सब अभी सोए उठे हैं नमाज के लिए। बाकी सऊदी में तो एंजॉय हो ही रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। शाहरुख खान उम्रा कर लिया। हाँ यार, शाहरुख खान ने कल उम्रा कर लिया। पहुंच चुके अल्फा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। क्या भाई? हाँ भाई, ये है अल्फा रेस्टोरेंट, लग रहा बंद है क्या आज फ्राइडे का? बंद तो नहीं था, और ये बंद है। पोपट, और यहाँ पे हो गया हमारा पोपट, एक रेस्टोरेंट हुआ है बंद। क्यों बंद है भाई? और जाएगा दिक्कत। अल्फा तो बंद है जैसा कि आपने देखा, तो अब जा रहे हैं शालीमार में। शालीमार देखते हैं खुला है कि बंद है। क्या फ्राइडे को क्या बंद तो नहीं होते सुबह सुबह रेस्टोरेंट? लेकिन यार रेस्टोरेंट कैसे बंद हो सकते हैं? फ्राइडे को तो बंद जाते हैं यहाँ पे भाई। मैंने तो कभी नहीं देखा, सही बताऊं तो मैं काफी टाइम के बाद पहली बार इतनी सुबह सुबह रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ उठ के। फ्राइडे को चलो हम जाते हैं देखते हैं। वो पहले सुलई में पाए वाए खाने जाते थे, बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन प्रो कोविड। चलो अभी देखने तो हम लोग जा रहे हैं इसमें अब। तो भाई हम लोग होटल में आ चुके हैं, मुमताज में, शालीमार में नहीं, मुमताज में आए हैं। अब पीछे का देख सकते हैं भीड़ भाड़, कितना भीड़ भाड़ है भाई। सब लोग थाली खाने के लिए भी लगाए हुए, हम लोग थाली खाए हैं। ये नया आईफोन से शूट कर रहे हैं हम लोग सिनेमैटिक मोड में, तो बताना अगर ये क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है। जबरदस्त, मुझे तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है भाई। क्या बैकग्राउंड ब्लर है, बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जा रहा है, और एकदम बेहतरीन फोकस, जबरदस्त है, मजा ही आ गया। बाकी अब यहाँ पर लग चुका है हम लोग का सोफड़ा, अब आएगा नाश्ता। हाँ भाई, तो थाली आ चुका है। हाँ थाली आ चुका है, ये सब्जी है, कीमा है, दाल है, ये क्या है, अंडे का शायद है ना, खोबीना अंडे का। बाकी ये बैगन आलू की सब्जी है, ये कड़ी है, बेसन है, कड़ी है, टमाटो चटनी है। हाँ ये चटनी है। रोटी किधर है? रोटी किधर है? रोटी आ रही है। तो आइटम बहुत सा है, एक आइटम बाकी है अभी, रोटी आना, उसके बाद हम देंगे फीडबैक। क्या? हाँ बिल्कुल। तो यार ये आ गया पराठा बिना तेल वाला, बेहतरीन। देखते हैं टेस्ट करके कैसा है, फिर बताते हैं आपको। टेस्ट कीजिए, पहला टेस्ट कीजिए आप, आपका रिव्यू लोगों के पास जाएगा। तो पहले ट्राई करा सब्जी है, सही है सही है। कुछ मीठा लेंगे?
कुछ पीछा लेंगे अभी ये खाले मैंने देखते जगह बचती है नहीं। अच्छा दो आइटम ट्राई किए हैं, बहुत टेस्टी है अंडा और ये सब्जी कीमा है, दाल भी अच्छा है। मैंने मंगा लिया अंडा, बट ठंडा जो अंडा खाया ना, ठंडा बोले तो अंडा है। बाकी अभी तक हमें चार आइटम बहुत अच्छा लगा इसमें, ये दाल सब्जी अंडा और ये टमाटर चटनी। क्या भाई जी? भाई तो नाश्ता हो गया हम लोगों का, ये 5,000 का थाली था, इसमें रोटी फ्री है, जितना रोटी खाना है खा सकते हैं आप। बाकी हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था आमलेट, जो आमलेट था 5,000 का, दो चाय था 2,500 का, दो पानी था 2,500 का। थैंक यू। टोटल बिल हम लोग का हुआ था 20,000 का। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, चाय अच्छी लग रही है मुझे फिलहाल, लेकिन कीमा और ये सब उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है, लेकिन ठीक है 5,000 के हिसाब से तो बहुत सही है, बढ़िया है। अपना टेस्ट मिल रहा है? हाँ अपना टेस्ट मिल रहा है। 5,000 में आपको 5-6 सब्जियाँ खाने को मिल रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ट्राई करना हो कभी तो आ सकते हो, बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते महंगा वाला नाश्ता। तो यार अभी हमने यहाँ पे नाश्ता किया और हमने रेस्टोरेंट का नाम बताया। अक्सर हम जहाँ भी जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स के नाम बता देते हैं आप लोगों को, जो अच्छा होता है। हाँ जो भी अच्छा होता है तो, या जैसा भी रिव्यू होता है दे देते हैं। तो ये सब कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होता या कुछ भी नहीं होता हमारे दिखाने से। अगर एक भी बंदा वहाँ जाता है, किसी की रोजी में बरकत होती है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो बस इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ जाके और पेड प्रमोशन करते हैं या फिर हम फ्री में खाना खा के आ जाते हैं। ठीक है ना भाई, पैसे दे के खाना खाते हैं और फ्री में प्रमोशन कर देते हैं लोगों का। क्या हम सही बात है, कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप जहाँ जा रहे हो उसको शेयर कीजिए, तो ये हम लोग शेयर कर दिए। एक बंदे का कमेंट आया था, भाई आप हारा में जाए तो हारा का जो पांडा है वो दिखा दीजिएगा। वो मिस कर रहा बंदा, वो 10 साल पहले काम किया था हारा में। अच्छा अच्छा, वो पांडा को मिस कर रहा। पांडा पीछे ही है, ये है हारा का पांडा, हारा का पांडा। बाकी अब चलते हैं घर की तरफ, नहाते धोते हैं, जुमे की तैयारी करते हैं। क्या भाई जुमे की तैयारी करना होगा ना? हाँ भाई, तो हम लोग आ चुके हैं अपने एरिया समेसी में, सामने मेट्रो की लाइन। अब हम यहाँ से जाएंगे राइट। यार कितना अच्छा टॉप क्लास मार्केट था ना यहाँ अपने सामने। तो मार्केट तो अभी भी है लेकिन सामने अच्छा था, रिलेटेड से आइटम मिलते हैं ज्यादा। पूरा औरतों का जो है वो यहाँ पे जमा हुआ रहता है सामने शाम को। एक टाइम में ये एरिया बहुत ही सुंदर हो जाएगा ना, ये जब मेट्रो वगैरह चालू हो जाएगी, ये सारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आगे मेट्रो स्टेशन भी है। हाँ। Assalamualaikum। तो अब नमाज के लिए रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं नमाज पढ़ने जुमा की, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो जा रहे देखने सुल्तान भाई को रेडी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई रेडी है। तो सुल्तान भाई हमारे ऑलमोस्ट सो गए थे, उठा के लाए हैं। क्या सोने मतलब बस आज टाइम बहुत है, मसला नहीं है आज। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक स्पेशल चीज़ है, ये मुझे एक बंदा गिफ्ट दिया था, मैं गाड़ी में रख के भूल गया था। अभी लगा लूँ चलो, लगाया हुआ मैंने वैसे। सऊदी कतर तो बहुत अच्छी होती है, कहाँ जाएँ नमाज पढ़ने? कहीं भी चलो, चलते हैं। आज टाइम ही नहीं है आपके पास? आज तो टाइम ही टाइम हम लोगों के पास, आज तो बोल नहीं सकते, लेट हो गए हम लोग आज। तो यार अभी ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पे सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। ऐसे रियाद रहे तो क्या मजा है। ऐसा लग रहा लॉकडाउन चला गया, लॉकडाउन वाला फील है। बाकी आप बिल्डिंग देख सकते हो रियाद की, अलग अलग जबरदस्त सामने क्या व्यू है, मस्त नजारा एकदम। नमाज हो चुका है खत्म, हम लोग जा रहे हैं बाहर अब। तो नमाज के बाद सब लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने रूम में, और सामने का व्यू अच्छा आ रहा है। एक चीज देखो सुता भैया, ताला मारा हुआ साइकिल में पोल में चैन से बांधी हुई है।